नमस्कार। अब हम पहले टॉपिक के बारे में बताते हैं। घरों में अक्सर क्या होता है कि एक लोड होता है और एक स्विच होता है, और जब ये स्विच ओपन होता है या लोड ऑफ होता है अक्सर रात में, तो भी ये फेल हो जाता है। तो इसके फेलर को कैसे रोकें, उसके बारे में जो मैंने अपने घर में किया हुआ है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए, ये एक स्विच लगा है जो लाइन वायर में लगा है, और कभी कभी लाइन इधर आ जाती है, कनेक्शन उल्टा हो जाता है या यहाँ पे हाई वोल्टेज आ जाता है। तो हमने क्या किया है, एक स्विच यहाँ पे भी लगा दिया है ऐसे। अब हमारे घर में अरेंजमेंट में दो स्विच लगे हैं, एक लाइन में और एक न्यूट्रल में। जब ये दोनों ऑन करेंगे तभी यहाँ पे पावर मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब इस अरेंजमेंट में मान लीजिए लाइन और न्यूट्रल के वायर उल्टे लग जाते हैं। टू पिन प्लग में अक्सर ऐसा होता है, हम किसी भी दिशा में लगा देते हैं तो क्या होगा, ये लाइन न्यूट्रल बन जाएगी और ये न्यूट्रल लाइन। तो मैं ऐसा कर देता हूँ ऐसा। अब देखिए, दो स्विच लगाने से क्या फ़ायदा हुआ कि लाइन ये हो या ये हो, पहले यहाँ थी लाइन, अब लाइन यहाँ पर है, फिर भी स्विच आ रहा है। तो कनेक्शन अगर उल्टे लग गए तो भी लाइन में स्विच आएगा और आपको इस इक्विपमेंट में प्रोटेक्शन मिलेगा। हम मान लीजिए लाइन और न्यूट्रल के अलावा अर्थ वायर भी है, तो हम अर्थ वायर भी लगा देते हैं। ये अर्थ वायर है और ये सीधा अर्थ को जा रहा है, तो अर्थ वायर में कोई भी स्विच नहीं लगाते, खाली लाइन और न्यूट्रल में स्विच लगाते हैं। अब ऐसा अरेंजमेंट जिसमें लाइन और न्यूट्रल दोनों में स्विच लगे हों, घरों में तो लगाते नहीं है, उसके लिए आपको एक प्लास्टिक का बोर्ड खरीद के, जैसे मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ ऐसा बनाना पड़ेगा। मैंने घर में जैसा बनाया हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं टू पिन और तीन पिन अरेंजमेंट की वायरिंग दिखाता हूँ, और अंत में मैं आपको जो मैंने घर में टीवी का एक्सटेंशन बोर्ड बनाया है उसका सर्किट डायग्राम भी दिखाऊंगा। ये देखिए, टू पिन सॉकेट के कनेक्शन हैं, ये दो स्विच हैं और ये सॉकेट है। एक लाइन वायर इधर जा रहा है और ये न्यूट्रल वायर इधर जा रहा है, और इससे एक वायर इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो जब ये दोनों ऑन होंगे तभी यहाँ पे पावर मिलेगी, नहीं तो नहीं। मैं आपको इसको रिवर्स करके कनेक्शन दिखाता हूँ। देखिए, रिवर्स से कनेक्शन है, ये दोनों स्विच हैं और ये सॉकेट है। एक वायर इस स्विच में जा रहा है, दूसरा न्यूट्रल इस स्विच में जा रहा है, और स्विच के बाकी दूसरे कनेक्शन दोनों इसको जा रहे हैं। तो जब ये भी ऑन होगा, ये भी ऑन होगा, तभी यहाँ पे आपको पावर मिलेगी। अब मैं आपको थ्री पिन का कनेक्शन दिखाता हूँ। ये तीन पिन सॉकेट का अरेंजमेंट है, देखिए ये थ्री पिन सॉकेट है ना, ये दो स्विच हैं, तो ये लाइन वायर इसमें जा रहा है, न्यूट्रल वायर दूसरे स्विच में जा रहा है, इन दोनों से एक एक वायर इनमें जा रहे हैं, और इसका जो अर्थ है वो डायरेक्ट है, उसमें कोई स्विच नहीं लगाते। तो लाइन न्यूट्रल एंड अर्थ, जब ये दोनों ऑन करेंगे तभी यहाँ पे आपको पावर मिलेगी लाइन और न्यूट्रल के क्रॉस। अब मैं इसको उल्टा करके कनेक्शन दिखाता हूँ आपको। देखिए कनेक्शन, देखिए ये थ्री पिन सॉकेट है,
ये दोनों स्विच हैं, ये लाइन वायर इस स्विच में आ रहा है, न्यूट्रल वायर दूसरे स्विच में आ रहा है, और इन दोनों स्विच का दूसरा कनेक्शन इधर जा रहा है, ये लाइन और ये न्यूट्रल, और ये जो अर्थ है डायरेक्ट जा रहा है। तो जब यहाँ और यहाँ दोनों शॉर्ट हो जाएगा या दोनों ऑन करेंगे स्विच, तो यहाँ पे पावर आएगी आपको। ये वॉशिंग मशीन के कनेक्शंस हैं, यह वायर वॉशिंग मशीन को जा रहा है, इसमें दो स्विच लगे हैं, एक यह है और एक यह है, यह इंडिकेटर है। जब दोनों स्विच ऑन होंगे तभी यह ऑन होगा। देखिए खाली एक स्विच दबाया तो यह ऑन नहीं होता है, अब खाली दूसरा दबाया फिर भी ऑन नहीं होता है, अब दोनों दबाते हैं अब ऑन हो गया। हमें वॉशिंग मशीन ऑन करने के लिए दोनों स्विच ऑन करने पड़ते हैं। अब प्रिंटर में ये वायर प्रिंटर को जा रहा है, ये दोनों ऑन ऑफ स्विच हैं और यह इंडिकेटर है, यहां भी एक दबाने से ऑन नहीं होता है, दोनों स्विच ऑन करने पर ही यह ऑन होता है। यह हमारे टीवी के एक्सटेंशन बोर्ड का सर्किट डायग्राम है। देखिए लाइन वायर आ रहा है, ये न्यूट्रल आ रहा है, दोनों में मैंने स्विच लगा रखे हैं, नॉर्मल वाले जो आपको बाजार में मिल जाएंगे। और मेरे पास तीन चीजें हैं, टीवी, डीवीडी प्लेयर और एचटीवी बॉक्स, इन तीनों में एक स्विच मैंने और लगा रखा है, तो ये दोनों ऑन करने पड़ते हैं। और फिर मुझे क्या ऑन करना है, एचटीवी ऑन करना है या डीवीडी ऑन करना है, उसके हिसाब से मैं स्विच ये वाला या ये वाला या ये वाला या तीनों ऑन कर सकता हूँ। अगर खाली ये और ये चाहिए तो ये मैं ऑफ रखता हूँ, तो इसमें पावर वेस्ट नहीं होती। तो जब हम टीवी ऑन करते हैं तो पहले हम ये दोनों ऑन करते हैं, उसके बाद इनमें से एक दो या तीन ऑन करने पड़ते हैं हमें। अब इस एक्सटेंशन बोर्ड में मैंने लैपटॉप के लिए भी आयरन बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लैपटॉप का 3-पिन सॉकेट है, तो इसके लिए कनेक्शन हमने स्विच के बाद से नहीं दिया है, स्विच के पहले से दिया है। तो स्विच के पहले से एक लाइन वायर आ रहा है, ये न्यूट्रल वायर आ रहा है, दोनों में दो स्विच और लगाए हैं जो लैपटॉप को जा रहे हैं, और अर्थिंग वाला वायर डायरेक्ट जा रहा है, इसमें कोई भी स्विच नहीं है। हाँ, मैंने बहुत सारे स्विच लगा तो दिए, लेकिन घर में डांट पड़ी कि तुमने इतने सारे स्विच क्यों लगा दिए, अब तो सबकी स्विच ऑन ऑफ करने की आदत पड़ गई है। लेकिन अगर स्विच नहीं लगाता और टीवी फेल होता तो इससे ज़्यादा परेशानी होती। अब आज यहीं समाप्त करते हैं।